तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन धामगुड़ा स्वागत करता हूँ आपका फिर से और एक नए वीडियो में। तो आप सब लोग बोलेंगे कि अचानक से हिंदी में ब्लॉग कैसे, पर आप सब लोग को पता है कि मैंने नई बाइक ली है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बाइक का जो भी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है वो सब हिंदी में शूट करे, एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहता हूँ। तो थोड़ा बहुत हिंदी ऊपर नीचे हो सकता है, तो उतना संभाल के लेना आप लोग। तो आज के वीडियो में मेरे को दिखाने का है कि मेरे बाइक के लिए फॉक्सटेल कवर लिया है। अभी वो क्या रहता है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। ऐसे ही छोटे मोटे मॉडिफिकेशन मैंने किए हैं बाइक में, तो वो सब मैं मेरे ब्लॉग्स में कवर तो करने वाला हूँ। तो ये है फॉक्सटेल कवर जो कि मोटो ट्रेंड्स ब्रांड से मैंने परचेज़ किया है और इसका प्राइस 799 में है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, उनके ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है और कुछ शॉप्स में भी मिलता है। तो एक्चुअली ये लगता किधर है तो मैं पहले बताता हूँ। ये जो फॉक्स रहते हैं, फॉक्स यानी कि सस्पेंशन, तो अभी दिखाता हूँ ये कैसे लगते हैं इधर और उसका यूज़ क्या है वो भी मैं बताता हूँ। एकदम बेसिक सा पैकेजिंग रहता है इसका, तो नॉर्मली ये जिप्स रहता है उसको ओपन करने का है। इसके अंदर अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं, वैसे मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग करके रखा था, चेक किया था। तो इसके अंदर अपने को ये दो कवर मिलते हैं, उसके साथ ये जिप टाइज है जो कि चार मिलते हैं फिलहाल अपने को, तो दो का ही यूज़ होगा और इनका स्टिकर। जो अपना सस्पेंशन है उसको क्लीन करने का है, क्योंकि अपने को लगाने का रीज़न वही है कि अपना जो सील है सस्पेंशन का वो डस्ट से बच सके, तो लगा दे। मैंने पहले ही क्लीन करके रखा है। अच्छे से क्लीन करिए पानी वगैरह डाल के, क्योंकि थोड़ा सा भी डस्ट नहीं चाहिए। और उसके बाद ये देखो, तो इसमें नॉर्मली वेलक्रो लगा है तो ओपन होता है, और इसका साइज़ भी मतलब ऐसा है ना कि ऊपर से नीचे ऐसा छोटा होता जाता है। तो लगा के तो हो गया है, अभी खाली वो ब्रांडिंग है वो आगे दिखना चाहिए ना, इसके लिए घुमा रहा हूँ। बहुत टाइट लगा है मैंने भी, एक्चुअली टाइट ही लगना चाहिए, तो ऐसा ब्रांडिंग आगे दिखना चाहिए। ये आपके ऊपर है, ब्रांडिंग दिखाना है तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए। तो ये तो लगा के हो गया, अभी इसके ऊपर जो इधर आपको गैप दिख रहा है इसमें से वो जो जिप टाई दिया है वो इसके अंदर से डालने का, अंदर से खाली जिप टाई अपने को डालने का। असं नॉर्मली लावतात ना, जिपटा लगाने से क्या हुआ है कि ये अभी फिक्स हो चुका है, निकलेगा नहीं इजीली। तो अभी एक साइड का तो लगा के हो चुका है, अभी वो साइड का सेम प्रोसेस फॉलो करने का। तो जैसे कि आप देख रहे हो दोनों साइड का, इधर का, तो दोनों साइड का लगा के तो हो चुका है। बहुत मेहनत लगती है, इतना दिखने में तो आसान है पर उतना आसान नहीं है, मतलब है आसान है पर उतना आसान नहीं है। अभी एक्चुअली इसका वर्क क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मेरे गाड़ी को अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, तो अपसाइड डाउन सस्पेंशन में क्या रहता है, ऊपर ऑयल रहता है और इधर बीच में सील रहता है, अभी वो इसके अंदर ढक चुका है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अपन कौन से भी गाड़ी को इधर हाथ लगाओ, मतलब इधर इसके अंदर ये नहीं है ऐसे समझो, तो इधर हाथ लगे तो इधर थोड़ा बहुत ऑयल तो लगता है। और बारिश के सीज़न में क्या होता है, जो भी छोटे छोटे डस्ट है, अभी देखो टायर पे कैसे बैठे हैं, ऐसा डस्ट है ना इधर लग जाता है, और उसके वजह से ना जब सस्पेंशन ऊपर नीचे वर्क करता है तो वो सिल्क को डैमेज करता है, फिर ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम चालू होता है। और अब से मतलब सस्पेंशन में इतना फटक से समझ में नहीं आता कि आपका ऑयल लीक हो रहा है, जैसे जैसे आप गाड़ी चलाओगे ऑयल लीक होगा, अंदर का पूरा ऑयल ख़त्म हो जाता है और बाद में एक टाइम पे बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। और नॉर्मल सस्पेंशन में क्या रहता है, ये उल्टा रहता है, ये जो ऑयल वाला पार्ट है वो नीचे रहता है, तो उधर भी क्या, उधर भी चांसेस तो है सील टूटने के, पर ऑयल इतना ज़्यादा लीक नहीं होता,
तो ये डिफरेंस है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये लगाया है। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि मैंने बराबर लगाया है। और इसका बेनिफिट ऐसा है, वेलक्रो है, आपने ये जो जिप टाई लगाया है वो आप कैंची से तोड़ सकते हैं बाद में, और ये वेलक्रो है तो वो निकाल के आप वॉश भी कर सकते हैं। तो गाड़ी का सील प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।